नमस्कार दोस्तों, एमडी इलेक्ट्रिकल हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैं बताऊंगा आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में, वो भी हिंदी में। तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। तो VCB का फुल फॉर्म है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। किसी भी असामान्य स्थिति में या मेक एंड ब्रेक के समय में जो इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होता है उसे बुझाने का माध्यम यहाँ वैक्यूम है, इसलिए इसे VCB या ने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसका उपयोग पावर स्टेशन, सबस्टेशन, इंडस्ट्री के VCB पैनल में किया जाता है। यह ब्रेकर 11 kV से 33 kV तक मीडियम वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। VCB में मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं जिसको स्थायी रूप से वैक्यूम के साथ सील कर दिया जाता है। वैक्यूम को सील करने के कारण वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती और इलेक्ट्रिक आर्क जल्दी बुझ जाता है। इस ब्रेकर में वैक्यूम की डिग्री 10^-7 से 10^-5 टोर तक होती है। टोर है जो इसमें वैक्यूम का यूनिट है। एयर और SF6 को एयर सर्किट ब्रेकर और SF6 ब्रेकर के बाद की बात करें तो दूसरे माध्यम से ये ब्रेकर बहुत बेहतरीन तरीके से अपना काम करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करता है। तो मीडियम वोल्टेज यानी 11 kV से 33 kV तक VCV का उपयोग किया जाता है। लो वोल्टेज यानी 450 वोल्टेज के लिए एयर सर्किट ब्रेकर का उपयोग होता है। हाई वोल्टेज 33 kV से ज़्यादा का मूल्य की जो हमारी हाई वोल्टेज होती है के लिए SF6 ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो असामान्य स्थिति में सर्किट ब्रेक करता, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम सर्किट